तो आज का क्लास है ICSE जावा प्रोग्राम के ऊपर जो अभी शुरू शुरू हो रहा है, और ये सेकेंड डे है ICSE जावा प्रोग्राम का। तो इसमें हम नेट बीन्स के सहारे ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके जरिए हम काम करेंगे। तो मैं सारे के सारे तो डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ और फिर इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ। तो अभी इसको रन कर देता हूँ तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो आप नेटबीन्स एक आईडी है, जैसे कि ब्लूजे एक आईडी होता है, उसी तरह नेटबीन भी एक आईडी होता है जिसके जरिए हम काम कर सकते हैं। तो इसके जरिए भी हम काम कर सकते हैं, इसके अलावा इक्लिप्स इस यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत सारे आईडी अवेलेबल है मार्केट में, वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम अभी जो सीखेंगे तो वो है कि क्या सीखा था इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या कितने देर तक हुआ था देख लेते हैं थोड़ा। इफ स्टेटमेंट तक शायद थोड़ा बहुत हुआ था, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके बाद हम एक काम करते हैं कि इसमें इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं कि इफ अगर, और इसमें तीनों तरह के ऑपरेटर होता है, जो भी जो जो इस्तेमाल होता है, इसका मतलब एंड होता है और इसका मतलब और होता है और इसका मतलब नॉट होता है और इसका मतलब असाइन होता है, ये कॉम्पेयर होता है। तो इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे एक्सप्रेशन देना पड़ता है, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल देते हैं कि इफ मान लो कि तीनों नंबर के अंदर हमें बिगेस्ट ढूंढना है, इफ ए, एक नेस्टेड इफ के जरिए भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको नेस्टेड इफ दोनों तरीके से ट्राई करेंगे। तो इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ज़्यादा हुआ और इसमें तीनों वेरिएबल ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 12 और सी इक्वल टू 25 डाल देते हैं, और उसके बाद अगर ए बी से ज़्यादा होता है तो फिर इसमें दिखाई देंगे कि ए ज़्यादा है, ए इज बिगेस्ट, ए ज़्यादा है। और इसके अलावा इसको इस तरह से करा जा सकता है कि एल्स इफ, अगर एल्स इफ हम यूज़ नहीं करना चाहते, सिर्फ नेस्टेड इफ के जरिए करना चाहते हैं, तो इफ के अंदर हमको इफ डालना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि इफ, और उसके अंदर हमें इफ डालना पड़ेगा कि बी सी से ज़्यादा है तो फिर बी इज बिगेस्ट, एल्स सी इज बिगेस्ट, और इसमें भी एल्स, और उसके अंदर फिर से इफ डालेंगे हम यहाँ पे, कुछ दिक्कत हो रही है तो इसको काट कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, और इसमें हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो ये वाला क्लोज हो गया और उसके बाद एल्स का ब्रैकेट भी शुरुआत हुई, और ये ए बी से ज़्यादा है, इसके बाद ए अगर सी से ज़्यादा है तो ए बिग है, इसका अलावा अगर बी सी से ज़्यादा है
तो इसको कॉपी कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे बी कर देते हैं, और यहाँ पे बी कर देते हैं। तो इसको नेस्टेड इफ कहा जाता है कि इफ के अंदर अगर इफ डालो तो उसको नेस्टेड इफ कहा जाता है। तो इसके ज़रिए भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें एक बैकएंड मिसिंग था, उसको कंप्लीट कर दिया। आप इसको कंपाइल करेंगे तो बताएगा कि कौन ज़्यादा बिगेस्ट है, 25 ज़्यादा बिगेस्ट है। तो इसको हमने कंडीशनल ऑपरेटर के जरिए किया। आपको समझ में आया क्या सोनक? अगर नहीं आया है तो बताओ, मैं फिर से बताऊंगा। आपको समझ में आया? हेलो हेलो, तो इफ अगर ए बी से ज्यादा है तो ए बिगेस्ट है, इसके अलावा अगर ए सी से ज्यादा है तो ए ए बिगेस्ट है, इसके अलावा सी बिगेस्ट है, और एल्स पार्ट में ऐसा डाल दिया कि अगर बी सी से ज्यादा है, ऐसे ऐसे करके हमने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर किया है। तो इसको इसको इसके अलावा भी हम कर सकते हैं। अगर इसको हम इसी तरह से नहीं करना चाहे और किसी तरह से करना चाहेंगे तो भी पॉसिबल है, तो उसको भी हम करके देखेंगे। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन ए इज बिगेस्ट। एल्स इफ ए बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, तो फिर बी इज बिगेस्ट। एल्स सी इज बिगेस्ट। तो इसको रन करने से दिखाया देगा कि 25 इज बिगेस्ट, तो ए भी सही है। और इसको और एक तरीके से भी हम कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके मान लीजिए बिग एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर डेटा टाइप है, और उसमें हम डाल देते हैं कि मान लो ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, अगर बी से ज़्यादा है तो फिर उसके अंदर ए अगर सी से भी ज़्यादा है तो ए ज़्यादा है, इसके अलावा सी ज़्यादा है। छोटे तरीके से करके दिखाता है, पहले दो नंबर के बीच हमको बिगेस्ट ढूंढना है, तो बिग ले लेते हैं, दो नंबर के बीच ढूंढना है, और बिग इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी देन ए इज बिग, एल्स बी इज बिग। तो इसमें ऐसा होता है कि इस तरह से एग्जीक्यूट होता है, एक ट्रू होता है और ए फॉल्स होता है। तो दो नंबर के बीच अगर हम ढूंढना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं कि ए इज
ए इज बिग या फिर बिग, बिग इज बिग, इसको ही डाल देते हैं। ठीक है, तो अब रन करते हैं तो दो नंबर के भीतर 12 बिग है, 10 और 12 के बीच 12 बिग है। अब यही सारे चीज़ अगर तीनों नंबर के बीच करना है तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे वो भी दिखा देते हैं। इसी तरह से करेंगे तो ए अगर बी से ज़्यादा है और ए अगर सी से ज़्यादा है तो ए ज़्यादा है या फिर सी ज़्यादा है, और ए अगर बी अगर सी से ज़्यादा है तो बी ज़्यादा है या फिर सी ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से 25 ही ज़्यादा होगा। और इसको अगर आप चेंज करके भी देखेंगे तो फिर बी ज़्यादा होगा। कुछ समझ में आया आपको सोनक? हेलो, हेलो, ठीक है, शायद मैं समझ लेता हूँ आपको समझ में आ चुका है क्या बता रहा है, देखते हैं बंदा। हाँ सर, समझ में आ चुका है। तो इसको तीनों तरीके से मैंने हैंडल किया, एक हमने यूज़ किया के एक कर, तीनों यूज़ किया हमने, तीनों स्टेटमेंट का यूज़ हमने कर डाला। पहले में हमने यूज़ किया कंडीशनल ऑपरेटर, और दूसरे में हमने यूज़ किया लॉजिकल ऑपरेटर, और तीसरे में हमने यूज़ किया नेस्टेड इफ। ये तीनों का यूज़ करके हमने तीनों नंबर में से ज़्यादा नंबर निकाला। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और वही पुरानी सी बात, नोटपैड प्लस प्लस में जाके सेव कर देते हैं। तो इसी तरह से हम तीनों नंबर के अंदर बिगेस्ट ढूंढ सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके या नेस्टेड इफ यूज करके। ये तीनों का यूज करके हम बिगेस्ट ढूंढ सकते हैं तीनों नंबर के अंदर। अब इसको मिटा देते हैं जो भी है किस स्क्रीन में, इसको भी मिटा देते हैं। और उसके बाद हमें और कुछ ज़्यादा सीखना है तो हम कैसे सीखेंगे वो भी बता देते हैं। कि हम मान लीजिए कि हमें प्रोग्रामिंग कुछ भी ठीक तरह से नहीं आता और हमें फिर से सीखना है या फिर अच्छी तरह से सीखना है, तो एक काम करते हैं कि इसमें हम लिख देते हैं system.out.println I don't know nothing about Java। तो इसको अगर रन करेंगे तो ये दिखाई देंगे कि I don't know nothing about Java। अब इसमें हमको कुछ छेड़खानी चाहिए कि इसको हमको मान लीजिए कि दो बार दिखाई देना चाहिए, तो दो बार दिखाई देने के लिए सिंपल सी लॉजिक है, इसको कॉपी करो और पेस्ट कर दो टू टाइम। तो ये टू टाइम दिखाई देगा, आई डोंट नो नथिंग अबाउट जावा।
और इसको अगर इसी बात को हम अगर एक स्ट्रिंग में ले लेते हैं कि मान लीजिए स्ट्रिंग एस इक्वल टू समथिंग और हमें यहाँ पे एस प्रिंट करना है, तो फिर भी ए दो टाइम ही दिखाई देगा। अब मुझे दो से ज़्यादा टाइम देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, लूप का यूज कर सकते हैं, लूप का यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक फॉर लूप हम यूज करते हैं, ये लूप होता है। लूप क्या क्या होता है इसके बारे में हम बता देते हैं। लूप ज़्यादातर टाइम फॉर होता है, व्हाइल होता है, डू होता है और फॉर ईच होता है। ये चारों तरह के लूप जावा में यूज होता है। एक, दो, तीन और चार, ये चारों तरह के लूप जावा में यूज होता है। तो हम चाहते हैं कि एक से लूप से ही हमको काम चलाना है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे फॉर बेसिक से सिखा रहे हैं, एकदम बेसिक से लूप लूप के बारे में सिखा रहे हैं। तो फॉर आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस, तो इसमें ए 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब जितना देर तक हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं रिपीटेड टाइम, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको 5 टाइम से ज़्यादा एग्जीक्यूट करना है, तो हमें सिर्फ इसको इंक्रीमेंट करना है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें एक वेरिएबल है, जो इंटीजर वेरिएबल है वो 10 है। तो इसमें अगर हम 10 n डाल देते हैं तो उसको 10 टाइम दिखाई देगा। अब 10 टाइम देखना है, लेकिन वो भी हमको बताकर देखना है कि हमको 10 टाइम दिखाई रहा है, वो हमको बताकर देखना है। तो फिर वो 10 टाइम दिखाई देगा इसी तरह के, 1 टाइम, 2 टाइम और 10 टाइम हमको ये दिखाई देने लग गया है। तो इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, इसको समझ में अगर नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका है। तो इसको मैंने 10 टाइम फॉर लूप के जरिए प्रिंट किया। अब इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना चाहेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे इसको जो कंडीशन है ये ट्रू हो रहा है, तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं देते, यहाँ पे ए नहीं देते, या फिर एक काम कर देते हैं, इसको सभी को देते हैं, यहाँ पे एक सेमीकोलन डाल देते हैं, तो ये फिर 1 टाइम एग्जीक्यूशन होगा। सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? क्या गलत कर दिया? ये सेल्फ लूप हो गया, ये जो लूप है ये सेल्फ लूप हो गया, इसलिए इसको दिखाई नहीं देगा। तो इसको मिटा देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि int i को हम निकाल देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, और ये जो कंडीशन है इसको भी इसको रहने देते हैं। ठीक है, पहले बार कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी 1 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन अगर सेमीकोलन को निकाल के इसको 6 कर देते हैं, तो इसका मतलब ये 6 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। और इसको भी निकाल देते हैं, फिर भी देखिए ये 6 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। अब इसको भी निकाल देते हैं, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट होने शुरू कर देंगे, क्योंकि इसका जो एंडिंग कंडीशन है वो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे इसका एंडिंग कंडीशन भी हम डाल देते हैं,
कि अगर अगर ऐसा होता है तो फिर एक ब्रेक डालो भैया, तो फिर आई जो है वो लेस देन ही एन है, लेकिन इसको इंक्रीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो जब तक ए लेस देन है तो छोटा ही है, तो एन 6 से आई 1 है, इसका मतलब छोटा ही है, तो ब्रेक कुछ कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसको हम काट कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं कि इसमें जितने देर तक छोटा रहेगा उतने देर तक इसको घुमाते रहेगा और उसके बाद ब्रेक डाल देगा, तो फिर ये फिर से 6 टाइम एग्जीक्यूट होने लगी है। तो इस तरह से भी फॉर लूप को लिखा जा सकता है दो सेमीकॉलन से। कुछ को कुछ पूछना है फॉर लूप के बारे में? हाँ पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है। तो इसी तरह इसको मैंने फॉर लूप के जरिए इस्तेमाल किया। तो इसको अगर हम फॉर लूप यूज नहीं करेंगे तो हमको सिर्फ डू लूप में से काम चलाना है, व्हाइल लूप में से काम चलाना है। तो हमने सिर्फ व्हाइल डाल दिया और यहाँ पे एक्सप्रेशन चाहिए, कुछ एक्सप्रेशन डालना पड़ता है। तो हमको तो एक्सप्रेशन नहीं आती है, तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया। या फिर हमको यहाँ पे एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा कि कितने कितने देर तक एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं कि इतने देर तक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो फिर इसको रन करेंगे तो उतने इसको अनलिमिटेड हो गया, क्योंकि इसमें छोटा ही है, यहाँ पे कभी भी इसको इंक्रीज नहीं किया गया। तो इसको इंक्रीज यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं तो फिर ये 6 टाइम एग्जीक्यूट होगा। और इसको यहाँ पे नहीं करके यहाँ पे भी कर सकते हैं तो भी ये 6 टाइम एग्जीक्यूट होगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहे तो यहाँ पे सिर्फ 1 डालना है हमें। व्हाइल क्या बता रहा है? कॉन्वर्ट टू हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। अच्छा डाल दिया, फिर भी इधर दिखा रहा है कॉन्वर्ट टू हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। तो व्हाइल 2 डाल देते हैं जब तक सही रहेगा, ट्रू TR ट्रू जब तक सही रहेगा। तो सब तक ये सही रहेगा तो चलता ही रहते हैं। तो इसको हम स्टॉप कर देते हैं और इसको इसी तरह से लिख सकते हैं जैसे हमने PBS में लिखा था कि इफ अगर ऐसा होता है तो आई को इंक्रीज करना चाहिए और इसका अलावा एक ब्रेक देना चाहिए, तो फिर ये 6 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो व्हाइल लूप को भी इस तरह से लिखा जा सकता है। और जो रहेगा डू लूप उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ यहाँ पे डू लिखना है और यहाँ पे इसको लिखना है तो फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इसमें 7 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, 1 टाइम ज़्यादा एग्जीक्यूट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अगर इसमें कुछ भी नहीं दिया जाए, कुछ भी कंडीशन नहीं दिया जाए, फिर भी ये एक 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, इसमें अगर हम डाल देते हैं कि 2 इक्वल टू 2, इसका मतलब जो 2 है तो भी ये 7 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। और इसमें अगर हम कुछ भी अच्छा वाला कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं कि आई ग्रेटर देन एन जब तक एन से ज़्यादा होगा। तो एन से ज़्यादा तो कभी भी नहीं होगा, फिर भी ए 1 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि आई एन से ज़्यादा नहीं है। फिर भी ए 1 टाइम क्यों एग्जीक्यूट हुआ? इसीलिए एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि डू लूप इसको कहते हैं कि एग्जिट कंट्रोल लूप। इसका मतलब इसमें चेकिंग बाद में होता है, पहले एग्जीक्यूशन होता है। तो इसमें देखिए 1 टाइम एग्जीक्यूशन हो ही रहा है।
तो यही था हमारा तीनों लूपों के बारे में। और एक लूप है मैंने बताया आपको। तो मान लीजिए कि एन एक एरे है, मैं एरे के बारे में अभी नहीं बताना चाहता, फिर भी कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट है, तो इन सारे एलिमेंट को हमें देखना है। हाँ बोलिए, क्या बोलना है बोलिए। सर व्हाई यू आर स्पीकिंग हिंदी, यू कैन स्पीक इन बंगाली और इंग्लिश। ओके, मुझे इंग्लिश ज़्यादा अच्छा नहीं लगता या फिर मुझे इंग्लिश नहीं आता, तो बंगाली में बात कर सकते हैं। लेकिन ये गैलेक्सी A6 जो है वो क्या बंगाली समझता है या नहीं समझता है मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। तो गैलेक्सी A6 आपको क्या बंगाली आती है? कुछ भी नहीं बता रहा है, इसीलिए मैं हिंदी यूज कर रहा हूँ। तो इसमें एक एरे है मान लेते हैं, और इसमें इस एरे को अगर हम फॉर लूप के जरिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर हमको ऐसा लिखना पड़ेगा कि फॉर INT i, एरे जो 0 से स्टार्ट होता है और i लेस देन जो भी एरे है उसका लेंथ लेंथ तक चलेगा और i बढ़ेगा, और उसके बाद इसमें वही एरे का जो पार्ट है, इसका मतलब एन का आई वाला पार्ट दिखाई देगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो इसको देखिए कि एरे का जो एलिमेंट है, इसमें इधर हो गया, कहाँ पे इधर हुआ मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे एक फॉर लूप का ब्रैकेट ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो आप इसमें देखिए जो भी एलिमेंट एरे में है, इसमें जो भी एलिमेंट एरे में है तो उसको दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई दे रहा है जो भी एलिमेंट एरे में है। लेकिन इसको इस तरह से नहीं देख के, इसका मतलब इसका यूज नहीं करके हम और एक लूप का यूज कर सकते हैं, उसको ही फॉर इच लूप कहा जाता है। कि फॉर INT भार वेरिएबल और ओ एन में ले लिया, और उसके बाद सीधी सी बात के इसमें उसको प्रिंट आउट कर दो भैया, और वो जो वेरिएबल है वो तो वेरिएबल ही है, और उसको यही कोई एलियन डाल देते हैं, न्यू लाइन कर देते हैं। तो देखिए ये भी एक फॉर लूप है, इससे भी एरे को डिस्प्ले किया जा सकता है। तो यही हुआ फोर्थ टाइप का लूप, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फॉर लूप होता है, पाइथन में भी होता है X, Y। तो मैं पाइथन में नहीं जाना चाहता। तो ये एरे वाला है, थोड़ा खटमट वाला है, थोड़ा डिफिकल्टी वाला है, तो इसका बारे में हम बाद में डिस्कस कर भी सकते हैं। तो मैंने आपको जो सिखाना चाहा कि ही के लूप चारों तरह का होता है, जैसे कि इफ स्टेटमेंट हमने सीखा, हमने क्या स्विच स्टेटमेंट सीखा सोनक, हमने क्या स्विच स्टेटमेंट सीखा? कुछ भी आंसर नहीं मिल रहा है। स्विच स्टेटमेंट बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसके ऊपर इसमें एग्जाम में आते हैं कि मेनू डिपेंड प्रोग्राम करके दिखाओ स्विच स्टेटमेंट यूज करके। तो मुझे मालूम नहीं होता कि कौन सा क्लास में कर रहा हूँ, इसलिए अगर कोई रिप्लाई दे देता तो अच्छा होता। तो मैंने चारों लूपों के बारे में जैसे डिस्कस किया, उसी तरह मान लेते हैं कि एक स्विच स्टेटमेंट है और इसमें चॉइस है, इसमें चॉइस है कि कैरेक्टर टाइप है, तो कैरेक्टर टाइप है और उसमें के जो है वो आर है, रेड कलर है। तो स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो स्विच स्टेटमेंट में हम सिर्फ SWIT स्विच स्टेटमेंट जो होता है, इसमें सिर्फ हम दोनों तरह के डेटा को पास कर सकते हैं, वो इंटीजर हो सकता है या फिर कैरेक्टर हो सकता है, CHAR कैरेक्टर हो सकता है। तो इसमें इसमें हमने कैरेक्टर K को पास कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे मज़ेदार चीज़ें शुरू हो जाती है, जैसे कि केस अगर R हो, R वाला केस हो, तो इसको एक काम करते हैं, ये R ले लिया है, बड़ा वाला ले लिया है, तो यहाँ पे भी छोटा वाला ले लेते हैं, इसको भी छोटा वाला ही ले लेते हैं, या फिर बड़ा वाला भी तो हो सकता है। तो मैं दोनों को ही ले लेता हूँ, अगर छोटा वाला आर हो या फिर बड़ा वाला आर हो, दोनों दोनों ही हो सकते हैं।
तो फिर इसमें दिखाई देगा कि भैया रेड है, और उसके बाद इसको ब्रेक करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट केस में ये घुस जाएगा, नेक्स्ट केस के अंदर ये घुस जाएगा। इसको स्टॉप करने के लिए हमको एक ब्रेक स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो इसको ऐसे हमने कर लिया, और उसके बाद हम एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, और उसमें कुछ लिख देते हैं कि डिफॉल्ट में ब्रेक देना नहीं पड़ता, तो इसमें लिख देते हैं कि रॉन्ग चॉइस। और इसमें आर जी, जी का मतलब ग्रीन होता है, और इसमें बी का मतलब ब्लू होता है, और इसमें भी ब्लू ब्लू होता है, और ग्रीन ग्रीन होता है। तो इसमें बी एक ही डाल दिया, इसलिए गलती दिखा रहा है, तो दोनों तरफ से होना जरूरी है, तो ऐसे हो गया। तो इसको रन करते हैं तो ये रेड दिखाई देगा, ये क्या आर है। तो इसमें अगर हम बी डाल देते हैं तो फिर ये ब्लू दिखाई देगा, लेकिन अगर इसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट को नहीं देते तो ब्लू के बाद भी या ग्रीन के बाद भी कुछ दिखाई देगा। देखिए कुछ भी एरर नहीं है, फिर भी हम अगर यहाँ में ग्रीन डाल देते हैं तो ग्रीन भी दिखाई देगा और ब्लू भी दिखाई देगा। ग्रीन ब्लू रॉन्ग तीनों दिखा रहा है, क्योंकि हमने ब्रेक नहीं डाला, तो इसका जो ब्लॉक है इस ब्लॉक से वो बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे इसमें प्रोग्रामिंग एरर नहीं है किंतु लॉजिकल एरर है, बट लॉजिकल एरर है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, और नहीं डालने से ऐसा हो सकता है, एरर हो सकता है, जो लॉजिकल एरर है, सिमेट्रिक एरर है, कुछ भी एरर, एरर का भी क्लासिफिकेशन होता है, आप बाद में सीखेंगे। तो इसमें अगर ऐसा होता है कि आप मान लीजिए जो के है वो शायद कुछ ऐसा है कि इसमें इंटीजर है, इंटीजर के इजिकल टू टू है, तो अगर टू है तो फिर टू है तो फिर हम कह रहे हैं कि देख लो भैया टू का मतलब रेड होता है, वन का मतलब रेड होता है, मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि किसका मतलब क्या होता है, जो भी मैनेजमेंट प्रोग्राम 10 क्लास में आते हैं। तो इसमें वन का मतलब हम रेड लिख लेते हैं, टू का मतलब ग्रीन लिख लेते हैं, और थ्री का मतलब ब्लू लिख लेते हैं। तो ऐसे लिख लिया हमने, और इसके बाद स्लैश एन डाल दिया। तो इसमें इसमें के नहीं, इसमें के वेरिएबल ही होगा, और इसमें अगर हम एक कालर लिख लेते हैं तो इसमें इस वेरिएबल का नाम कालर होना चाहिए, तो आज इसमें कालर हो जाता है, और अगर वन होता है तो रेड होता है, और अगर टू होता है, इसको मिटा देते हैं, और इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर टू होता है तो एक कैरेक्टर नहीं है तो ये नंबर है, टू होता है तो ग्रीन होता है, और अगर थ्री होता है तो ब्लू होता है, और डिफॉल्ट में रॉन्ग चॉइस होता है। तो इसमें हमने रेड ग्रीन ब्लू में से टू चॉइस किया, तो इसका मतलब यहाँ पे दिखाई देता है कि यू चूज, वो भी हम कर देते हैं, यू चूज, आपने चूज किया है, कौन सा चूज किया है कि आपने भैया कलर चूज किया है, तो आपने टू कलर शायद चूज किया है, तो इसका हिसाब से हमने टू कलर चूज किया है, तो इसके लिए ग्रीन दिखा रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे काम करते हैं या काम होता है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम एम्प्टी डाल देते हैं इसके लिए कि एक लाइन गैप देना पड़ेगा। तो इसमें हम अगर थ्री डाल देते हैं तो इसका मतलब एक ग्रीन वाला दिखाई देते हैं, ब्लू होता है थ्री का मतलब, और इसमें अगर हम फाइव डाल सिक्स डाल देते हैं तो रॉन्ग चॉइस दिखाई देते हैं, और अगर वन डाल देते हैं तो फिर रेड दिखाई देंगे, और इसमें अगर हम डाल देते हैं कि 22/7 जो कि एक इंटीजर नंबर नहीं है, फ्रैक्शन नंबर है, तो फिर भी इसका मतलब थ्री होता है, तो इसका मतलब ये ब्लू दिखाई देगा। तो इसमें डेटा लॉस हो रहा है, क्योंकि जो फ्रैक्शन नंबर है का पाई का नंबर है, तो इसमें डेटा लॉस हो रहा है, लेकिन इसका थ्री का वैल्यू है, तो ऐसा हो गया। और यहाँ पे हम एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं कि 2+3, 2+1, इसका 2-3+5,
टू माइनस थ्री इसका मतलब होता है माइनस वन और फिर टू वन, तो जीरो हो जाता है, इसका मतलब रॉन्ग चॉइस हो जाता है। और इसमें अगर हम डाल देते कि फाइव माइनस टू प्लस वन तो थ्री हो जाता है, इसका मतलब ब्लू हो जाता है। तो ऐसे भी हम एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। इसका मतलब यही नहीं कि जो डाला वही सही है और बाकी सब गलत है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने देर तक ही बताना चाहते थे कि हमने थोड़ा बहुत स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताया, थोड़ा बहुत लूप के बारे में बताया, यही बताना चाह रहे थे। आप लोगों को मन में कुछ अगर सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ देखिए, यहाँ पे लॉस ऑफ डेटा का मतलब क्या है आपने पूछा है, तो इसको इसका ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे वाई वेरिएबल ले लेते हैं। वाई यहाँ पे नहीं लेते, निचले हिस्से में ले लेते हैं वाई, और वाई जो है वो यही वैल्यू ले लेते हैं, फ्लोट फ्लोट वाला वैल्यू ले लेते हैं। आप अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे कि भैया y का वैल्यू प्रिंट, x का वैल्यू प्रिंट कर दो और y का वैल्यू भी प्रिंट कर दो, ये दोनों वैल्यू हमको प्रिंट करके दे दो, और x में हम डाल देते हैं कि माइनस नाइन, कुछ भी डाल देते हैं। तो इसमें देखिए कि कुछ इरर दिखा रहा है, कैसा इरर दिखा रहा है, कैंसिल बाय द यूज़र, ओके ओके कुछ इरर दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, एक्स प्लस वाई ना, यहाँ पे कुछ शायद ब्रैकेट का एक इरर है, ठीक है। तो इसमें नाइन और इसमें ये देखिए इसका एक फ्रैक्शन पार्ट है, तो इसका इसका जो इंटीजर वाला पोर्शन है, इसका जो साइज है वो साइज कुछ टू बाइट वाला है, और इसका जो फ्लोट वाला पोर्शन है उसका साइज कुछ फोर बाइट वाला है। जो भी मशीन पे डिपेंड करता है, कभी कभी मशीन पे इंटीजर का साइज भी फ्लोट बाइट हो जाता है, टू बाइट हो जाता है, फोर बाइट भी हो जाता है, मशीन पे डिपेंड करता है। तो इसमें ज़्यादा वैल्यू स्टोर हो रहा है फ्रैक्शन का, तो इसमें कम, इसलिए ये वैल्यू ऐसा दिखा रहा है। लेकिन अगर हम इसमें एक्स में वाई को डाल देते हैं तो फिर उसका जो वैल्यू है वो लॉस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इरर दिखा रहा है कि देखिए इसमें इम्पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्सेशन फ्रॉम फ्लोट टू लॉन्ग। फिर भी हम रन कर देते हैं तो फिर इरर दिखाई देंगे। तो फिर हम एक काम करते हैं कि इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले इसको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कन्वर्सेशन होता है, तो हम इसको जोरपूर्वक कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एक्स का वैल्यू थ्री आ गया, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था वो लॉस हो गया, ठीक है। और कुछ पूछना है? दोनों तरह के कन्वर्सेशन होता है, इसका मतलब एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, ऑटोमेटिक कन्वर्सेशन या फिर फोर्सफुल कन्वर्सेशन। तो इसमें दोनों का वैल्यू बोलिए क्या बोलना है। हाँ, अगर मैं छोटा से बड़ा करूंगा तो फिर डेटा लॉस नहीं होगा, छोटा से बड़ा करने से नहीं होगा, लेकिन बड़ा से छोटा करने से होगा। अगर हम एक्स का वैल्यू ए कुछ है, तो अगर हम y में x का वैल्यू डालना चाहते हैं तो फिर कुछ भी इरर नहीं होगा। ये देखिए कुछ भी कन्वर्सेशन नहीं होगा, इरर नहीं होगा, हो गया। तो बड़ा में इसका मतलब y बड़ा है जिसका साइज 4 बाइट है और x छोटा है जिसका 2 बाइट या कुछ किसी में 4 बाइट होता है, तो बड़ा में छोटा डाल सकते हैं, लेकिन छोटे में अगर बड़ा डालेंगे तो फिर वैल्यू लॉस हो जाएगा। और कुछ बताना पूछना चाहते हैं? ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि और कुछ नहीं पूछना है। ठीक है, तो आज के लिए हम गुड नाइट बोलते हैं, और आपका दिन भी अच्छा रहे, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है।